क्या हो गया ये देखो, पूरा प्रेशर आज खराब हो गया यार, क्या कर रहे हैं गाइस। आज भी देखो सीता का गुस्सा बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, और देखो सीता पूरे गुस्सा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, वैदु और सीता बैठ रखे इधर, सीता है थोड़े गुस्से में, और वैदु, हेलो, आज तो वैदु भी जाग रखा है यार। आज तो अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वैदु भी जाग रखा है। और अच्छा, आज आपने पढ़ाई करी? कल झूठ क्यों बोला था कि मम्मी सो ही रहती है और मुझे पढ़ाती नहीं है, मैं कहाँ सोती हूँ? मैंने खुद ही पढ़ा। खुद ही पढ़ा? पापा बेटा मम्मी सो गई, मैं खुद ही। चल रही वैदु की जोकिंग अपनी मम्मी के साथ, और आज मैंने वैदु और सीता के लिए ला रखा है कुछ सरप्राइज, जो कि है मेरे इस पॉकेट में, और अभी मैं उसे रिवील करने वाला हूँ थोड़ी देर में। सीता के लिए है, क्योंकि सीता यार थोड़ा सा मैंने सीता को नाराज कर दिया था, तो क्या पता सीता इसे खाकर मान जाए, है ना बहन? इसे खाकर मोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी बेटा? उसे खाके मोटी हो जाओगे आप। ओह माय गॉड। सो गाइस, आपने वैदु का कमेंट तो सुन ही लिया होगा। वैदु ने क्या कमेंट करा मम्मी को कि मम्मी ये खाकर मोटी हो जाएगी। लो भाई सीता, ये देखो क्या होगा इसमें। काफी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था, और मेरा भी मन यही था कि मैं सीता के लिए और वैदु के लिए कुछ ले जाऊं। सीता बताओ क्या होगा? मोमो है ना? हाँ, तो ये मोमो की अनबॉक्सिंग हो रही है, देखो। सीता सीता, अरे यार काफी टाइम से हमने खाए नहीं थे, और आप भी थोड़ा रूठे रूठे से थे, तो मैंने सोचा थोड़ा मोमो ला लेते। तो गाइस, आज हम जहाँ फेवरेट मोमो जहाँ बनते हैं सीता के, वहां से मैं मोमो लाया था। किसी सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप उनके पसंद की कोई चीज ले जाना, तो मैं सीता के पसंद की कोई चीज लाया हूँ। खाने की चीज थी वो, और सीता की पसंद की चीज है मोमो, तो मैं उसके लिए मोमो ही लाया था। सो सीता कैसे लगा आपको? बोलो ना यार, प्लीज बोलो ना। अच्छा लगा? नाराज हो? नहीं तो। खुश हो? तो इधर आप, इधर आओ बेटा, आप वहां का बैठ रखे। मैं देखो खाते खाते लगी है वॉशरूम। चलो बेटा चलो, चप्पल पहनाओ। बोलो। अभी लाइट चली गई यार, देखो अभी इमरजेंसी बल्ब जल रहा है, और लाइट जा रखी है, और सीता ने अभी चाय बनाई थी तो हम चाय पी रहे हैं। गाइस, अभी चल रही है हमारी इमरजेंसी लाइट, सो ये फायदा रहता है चार्जिंग बल्ब का, वो दो चार घंटे चल जाता है, और सीता बैटरी के ऊपर है। हेलो सीता। हेलो पापा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? मम्मी कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ, आप कैसे हो वैदु? आप कैसे हो बेटा? देखो वैदु ने देखो कौन सा लुक निकाल रखा बेटा। इस पर पटाखा लगाते तब ये शीशा फूट जाता है, ये शीशा होता रहता है हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत, लोग जो चलती रहनी चाहिए, तभी लाइफ का मजा आता है, तभी जीने का मजा भी तभी आता है, और सीरियस नहीं लेना चाहिए किसी को भी, और अच्छे और बहुत अच्छा अच्छा तो क्या रहता है, बढ़िया कि चलता रहना चाहिए, अच्छा है। सो देखो सीता है, अच्छी हूँ तो क्या बोलूँ, अब इतना तो बोल रही हूँ। नाचने का मन करे अभी मुझे। नाची करोगे? हाँ। चलो आपके आपके लिए नाची नाची करते हैं। स्पीकर का ये होगा, स्पीकर वो वाला स्पीकर कहाँ बजता है यार, ये बजता ही नहीं है। सो गाइस, आज मैं सिल्वर पेपर को यूज करने वाला हूँ, और आपको आइडिया तो होगा कहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। हमारा जो किचन में जो गैस सामने रखा हुआ है ना, गैस चूल्हा, उसके पीछे क्या है, वहाँ पे जल के थोड़ी सब्जी सब्जी गिर के थोड़ा ऐसे फट फूट कर गया है, तो वहाँ पे लगाने वाला हूँ मैं सिल्वर पेपर, तब उससे अच्छा से अच्छा हो जाएगा, मतलब क्लीन हो जाएगा। स्टाइल देखो फोन में बात करने का, वाह देखो, हाथ दोनों हाथ फ्री, और बन रही आज हमारी दाल, और इसको मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, यहाँ पे, यहाँ देख रही हूँ ना, यहाँ पीछे पीछे खराब से हो रखा, भले हम डिस्टेंस तो रखते हैं पर फिर भी हो ही जाता है यार। आज हम इसको यहाँ पे लगाने वाले हैं, इस वाले सिल्वर पेपर को,
तो गाइस हमने लगा दिया सिल्वर पेपर यहाँ पे। फाइनली थोड़ा मेहनत करने के बाद ये हमारी वॉल पे पूरा जो सिल्वर पेपर था वो हमने लगा दिया है, और थोड़ा चिकनाहट के कारण उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी चिपकने में, तो मैंने क्या किया उसमें टेप लगा दिया और साइड में छोटा सा टुकड़ा था वो भी लगा दिया। वो ड्राई वॉल पे लग गया था तो उससे क्या हुआ पूरा कवर हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं पूरा कवर हो गया यहाँ पे, और पहले गंदा गंदा सा लग रहा था, अब ऐसा नहीं लग रहा, देखो अब क्लीन सा लग रहा है थोड़ा अच्छा सा। तो यार वैदू का रोलर यार नीचे गिर गया है, तो पहले इसको निकालते हैं यार। वो जो सिल्वर पेपर का रोलर था ना वो इसके नीचे गिर गया है। तो ये वैदू का रोलर निकाल दिया है मैंने, ये रखा हूँ यहाँ और हम खेल रहे हैं ये रोलर के साथ, देखो ये ऊपर कहाँ गया लड़के का काम है तो देख रहे हो अच्छा हो गया। ये देखो पूरा प्रेशर आज खराब हो गया यार, ये क्या कर रहा है ये चंगुल चंग रहे हो पान चंगुल। ओ गाइस, तो गाइस देख रहे हो आप, चल कोई देखो चावल ऐसे हो गए। अब भाभी नहीं है ना, भाभी आना देखो वेकर जल्दी आया घर यार, पानी उसमें ज्यादा था इसीलिए लग रहा है, देखो इसमें पानी ज्यादा है ना इसलिए ऐसा कुछ हो गया। देखो यार उस टाइम जा रही थी लाइट, और लाइट के चक्कर में सीता ने मोबाइल से लाई होगी लाइट, तो मोबाइल से इतना अच्छे से वो दिखा नहीं होगा, और उस टाइम उसने रख दिए चावल और शायद पानी उसमें ज्यादा पड़ गया, और फिर होना ही था वो पारा पूरा मतलब गैस से बाहर निकल गए चावल, और कुछ ज्यादा दिक्कत हो गई। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी, बट ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, हो जाती है दिक्कतें, बट आपको अगली बार से इसको ऐसे नहीं करना है, ध्यान देना है, बस यही इंस्ट्रक्शन है। लाइट ऐसा नहीं है कि जब लाइट आई तो पका रहे, बट ये कि थोड़ा मतलब केयरफुल होके तब जाके करना है। सिलेंडर वाला लाया होगा सिलेंडर को, ऐसे कैसे कर रहा था वो? अच्छा मैं बोल रही ऐसे क्यों घुमा रहा है इसको यार सिलेंडर, सिलेंडर वाला ऐसे ला रहा था सिलेंडर को। दाल चावल आ गया है और इस टाइप से हुआ है चावल सही तो रखे यार। यार गाइस देखो चावल ऐसे हो रखे हैं उसके, थोड़े ज्यादा पके हुए बट सही है यार, देखो खा सकते हैं मतलब इसको अच्छे। खाना पीना हो गया है, सीता भी मान गई है और वैदु भी ले लिया है, और यार थोड़ा चावल के प्रेशर में थोड़ी दिक्कत आ गई थी वो भी ठीक है, उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था उस चक्कर में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बट कोई नहीं हो जाता है कभी कभी, नो प्रॉब्लम। सो आज के ब्लॉग में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।